अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चिकन के शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे बनाकर फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं, और वैसे भी अभी स्कूल स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बच्चों को टिफिन में देने के लिए बहुत ही इजी रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। मैंने इसे नमक के पानी से धोया है, जिससे इसमें कोई भी बू नहीं आती है और बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप चने की दाल को भिगो कर रख दिया था, जिससे भीगने के बाद ये डबल हो चुकी है। कम से कम 2 घंटा इसे भीगने के लिए रख दीजिएगा। अब कुकर में चिकन डालेंगे, चने की दाल का पानी मैंने निकाल लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज को कट करके डालेंगे, 10 से 12 हरी मिर्च, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 ग्लास पानी डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम रखकर 3 सीटी ले लेंगे। तो यहाँ पर चिकन और दाल अच्छी तरह से गल चुके हैं, बस इसमें थोड़ा सी पानी रह गया है। तो गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इसका पानी सुखा लेंगे। तो देखिए पानी अच्छी तरह से सूख चुका है, अब इसे ठंडा कर लेंगे। तो कबाब का मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब इसे एक फूड प्रोसेसर या मिक्सचर जार में डालेंगे और बारीक पीस लेंगे। हमें इसे बिना पानी के पीसना है। तो सारे मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसमें 1/2 कप धनिया को कट करके डालेंगे, थोड़े से पुदीना के पत्ते भी कट करके डालेंगे, 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे और इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पर एक अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, मैं इसे ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब थोड़ा मिक्सचर लेकर इसे कबाब का शेप दे देंगे। जिस साइज के भी आपको कबाब बनाने हो आप बना कर इसे रख लीजिए। यहाँ पर फिलहाल मैंने 6 ही कबाब बनाए हैं। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसी तरह प्लेट को फ्रीजर में 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए। जब ये थोड़े हार्ड हो जाए तो किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर इसे स्टोर कर लीजिए। और जब भी आपको इसे बनाना हो तो इसे आप कभी भी फ्राई कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल के लिए हो या ऑफिस के लिए। अब एक बॉल में एक अंडा लेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 6 कबाबों के लिए लिया है। आप सारे कबाब बना रहे हैं तो 2 अंडा लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/4 टीस्पून नमक डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है, अब गैस की फ्लेम फास्ट कर लेंगे। अब हमने जो अंडे का मिक्सचर बनाया था उसमें 1-1 कबाब डालेंगे और इसे अच्छी तरह से डिप करते हुए पैन में डालेंगे। इस स्टेप को आप कबाब फ्राई करते वक्त ही करिएगा। तो इसी तरह डिप करते हुए सारे कबाब डाल देंगे। जब तक हम सारे कबाब डाल नहीं देते हैं हम गैस की फ्लेम फास्ट ही रखेंगे। तो पैन में सारे कबाब डाल दिए हैं, अब यहाँ पर गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और 2 मिनट बाद इसे टर्न कर लेंगे। याद रखिए कि जब भी हम कबाब कोई भी फ्राई करते हैं तो गैस की फ्लेम फास्ट रखकर ही करिएगा, स्लो फ्लेम पर ये टूट जाते हैं। कबाब डालने के बाद चाहे तो फिर आप गैस की फ्लेम मीडियम या स्लो करके इसे फ्राई कर लीजिए, तो आपके कबाब कभी भी टूटेंगे नहीं। अब दूसरी साइड भी 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। तो कबाब दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे। ये कबाब बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि हमने इसे पहले से ही बॉईल किया है, तो इनके कच्चे रहने का कोई डर नहीं होता है। तो चिकन के शामी कबाब रेडी हो गए हैं। आप इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए और इस टेस्टी कबाब का मजा लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।